हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? आज बनाएंगे हम सिंपल तरीके से इडली सांभर, जिसके लिए लिए हमने एक कटोरी अरहर की दाल, एक घिया, दो गाजर और थोड़े से मटर। इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे। इसको 3-4 विसल दिलवाएंगे। अब हम इडली का बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 कटोरी सूजी ली है, 2 कटोरी दही। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। 2 कटोरी तड़का बनाए, अब हम सांभर का तड़का बनाएंगे, जिसके लिए हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है। अपनी मर्जी है, मस्टर्ड ऑयल डालो, देसी घी डालो। अब इसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच काली सरसों डालेंगे इसमें, जिससे ये टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे हम 2 कटे हुए प्याज, इनको अच्छे से भून लो, ये गोल्डन ब्राउन होने दो अच्छे से। अब हम सांभर देखेंगे, अपना सांभर तैयार हुआ या नहीं हुआ। अब हमारा सांभर तैयार है, बहुत अच्छा बना है। अब हम इडली डालेंगे इसमें। अब हम 2 टमाटर डालेंगे। इडली में सूजी इनो डालेंगे 1 चम्मच, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें ये, ताकि अच्छी बने। देखो अच्छी अच्छी झाग आई। अब इस तरीके से आप इडली बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। अब हमने ओवन में रख दी, 5 सेकंड के लिए लगा दो, 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसी, जिसके लिए हमने स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, सांभर मसाला, 2 चम्मच सांभर मसाला डाल दें। देखो हमारी इडली तैयार होगी। अब हम सांभर तड़का बना हुआ हम कुकर में डाल देंगे। अब इसमें एक प्रोसीजर, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब अलग से एक तड़का बनाएंगे, जिससे टेस्ट भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। जिसके लिए लिया हमने साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च, इसको अच्छे से भी तड़का बन जाए इसलिए इसको सांभर में डाल दो। देखो कितना अच्छा कलर आया। फिर हमने इसमें थोड़ा सा इमली का पानी डाला है। देखो हमारी